सो दोस्तों, अगर आपका एक YouTube चैनल है और आप चाह रहे हो कि अपने YouTube चैनल पर कोई भी बैनर ऐड करना, क्योंकि लोगो तो बहुत से लोग लगा लेते हैं लेकिन बैनर कैसे लगाते हैं यह बहुत से लोग नहीं जानते हैं। और जब तक आपका बैनर नहीं लगता है तब तक आप पता नहीं चलता कि आपका चैनल मतलब किस टाइप का है, किस तरह का आपका चैनल है। और यही नहीं, आपका मतलब चैनल जो प्रोफेशनल एकदम अच्छा नहीं दिखता है। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कैसे उसको लगा सकते हैं नया या कोई भी मतलब दूसरा चेंज कर सकते हैं। और साथ ही मैं ये भी बताऊँ कि मतलब किस साइज में वो लगता है, उसका साइज क्या है और कहाँ से आप बनाओगे तो उसी साइज का जो है आपका चैनल का बैनर जो है मिल जाएगा। तो पूरा इस वीडियो में आपको टोटल बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर न तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। सो अगर आपको भी जाना है तो चले चलते हैं वीडियो की तरफ। सो सबसे पहले यहाँ पर हम आ गए अपने फ़ोन के स्क्रीन पर। यहाँ पर सबसे पहले क्रोम ब्राउजर अपना ओपन करेंगे एंड क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद यहाँ पर यूट्यूब ओपन करेंगे। YouTube का यहाँ पर लोगो है, इस पर क्लिक करोगे YouTube को यहाँ पर ओपन करेंगे। तो जिस तरह आप चैनल मतलब ओपन करते हो अपना, जिस तरह जब वीडियो आप अपलोड करते हो टैग टाइटल लगाते हो, तो सेम उसी तरह सबसे पहले अपना YT स्टूडियो ओपन कर लेना अपने चैनल का डेस्कटॉप साइट पे क्रोम ब्राउजर से, है ना। क्रोम ब्राउजर से अपना यूट्यूब स्टूडियो जो ओपन करना है तो यहाँ पर मैंने डेस्कटॉप साइट पर कर लिया। यहाँ पर सबसे पहले मैं चैनल के लोगो पर क्लिक करता हूँ एंड चैनल के लोगो पर जैसे मैंने क्लिक करा यहाँ पर दिखेगा ऑप्शन YouTube स्टूडियो का, इसे मैं क्लिक करता हूँ एंड उसके बाद यहाँ पे चैनल जो है ओपन हो जाएगा। एंड जैसे ही चैनल जो है ओपन हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे हम थोड़ा नीचे आएंगे, सबसे लास्ट वाले के ऊपर वाला ऑप्शन जो है इस पर हमको क्लिक करना है। यहाँ पे मैं थोड़ा आपको जूम करके दिखा दूँ एंड उसके बाद यहाँ पर जो सबसे लास्ट वाला ऑप्शन है उसके ऊपर वाला जो ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक करना है। एंड जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर ब्रांडिंग में आपको ब्रांडिंग लिखा हुआ है ऊपर, उस पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर लिखा हुआ है पिक्चर एंड यहाँ पर अपना लोगो चेंज कर सकते हो। एंड उसके बाद यहाँ पर है बैनर इमेज, यहाँ पर लिखा अपलोड है, अपलोड पर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो है आप जो भी बना बैनर बना कर रखे रहोगे उसको यहाँ पे ले लोगे। उसके बाद यहाँ पे कुछ इस तरह दिखेगा, तो अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पे आपको डन पे क्लिक करना रहेगा, है ना। तो जैसे आप डन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये ऐड हो जाएगा। अभी मैं आगे बताऊँगा कैसे आपको मतलब इसको बनाना है, कौन सा साइज लगेगा, है ना। सबसे पहले यहाँ पर ऊपर देखोगे तो यहाँ पर सेव बटन है, सेव पर क्लिक करोगे तो ये जो है सेव हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका बैनर चैनल का बैनर जो है लग चुका है। अब यहाँ पर इसी मैं आपको बता दूँ चैनल का बैनर का जो इमेजेस होता है यहाँ पर देखो कुछ इस तरह दिखेगा, है ना। लेकिन यहाँ पर कुछ लिखा नहीं है, लेकिन अगर आप कुछ लिखना चाहते हो और इसको अच्छे तरीके से बनाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको पिक्सल ऐप को डाउनलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे साइज आपको यूट्यूब चैनल बैनर का ऑप्शन दीजिएगा, इस पर क्लिक करना है, ओके पर क्लिक करना है एंड इसका साइज आपको मिल जाएगा और उसी के हिसाब से आप कुछ भी आप लिख सकते हो। उसके बाद इसको सेव करोगे, सेव करके इसको अपलोड कर दोगे, है ना। तो इस तरह से मतलब आप अगर अच्छे तरीके से बना करके चैनल का बैनर अपलोड कर सकते हो। वैसे मैंने आपको सादा दिखा दिया अपलोड करने के लिए, लेकिन पिक्सल ऐप को आप डाउनलोड कर लेना। उसके बाद यहाँ पर इसका जो है साइज आप देख सकते हो कि कौन सा साइज जो है लगता है, उसके हिसाब से आप बना सकते हो। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देगा।